अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक हो गया आपका एक नई वीडियो में। 2023 में और 2019 में यूके में क्या डिफरेंस था, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बहुत सारी नेगेटिव चेंजिंग्स आई होंगी, बहुत ज़्यादा लोगों ने बात की होगी इसके ऊपर, पर मैं आज जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाला हूँ वो है कि क्या पॉजिटिव डिफरेंस आया 2023 में कंपैरेटिवली 2019 के, 2019, 2020, 2021, 2022 और अभी 2023 है। शुरू में तो पेंडेमिक था, पेंडेमिक की वजह से आपको पता ही है कि यहाँ पे कारोबार जो है वो बंद थे, हर चीज़ जो है वो क्लोज थी, तो लोगों को जो है बड़े बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन एक फ़ायदा उस चीज़ का ये हुआ कि जो स्टडी है वो ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन स्टडी होने की वजह से जब कोविड का जो है वो पेंडेमिक का टाइम पीरियड ख़त्म हुआ तो उसके बाद स्टडी ऑनलाइन ही रही, और जो है जो स्टूडेंट यहाँ पे आने वाले थे उनको पैसे कमाने का ज़्यादा मौका मिल गया। ऑनलाइन क्लासेस होती थी, वो काम करते थे, पैसे कमाते थे और यहाँ पे सेटल होने के उनको ज़्यादा चांसेस मिले। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्टूडेंट की रेशियो यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई, लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी, जो पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, एशियन कंट्री से जितने भी लोग यहाँ पे आने वाले थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलना स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो यूके के जो वीज़ाज हैं वो उनकी रेशियो जो है वो ज़्यादा वो बढ़ गई, लोगों के वीज़े जो है वो ज़्यादा लगने लग गए, तो ये भी एक पॉजिटिव डिफरेंस आया। उसके बाद जब यहाँ पे लोग ज़्यादा एक कंट्री के आ जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा इजीली जो है वो पास होती है, जिसकी वजह से लोग जो है वो अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पे आने के लिए उनको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कितने पैसे चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप उनको पता चलता रहता है। और सबसे बाद जो मज़े की बात यह है कि फिर बीच में हेल्थ के वीज़े ओपन हो गए, हेल्थ के वीज़े ओपन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे जो स्टूडेंट जो आए थे उनको जो है वो कन्वर्ट करने में आसानी हुई उन वीज़ाज के ऊपर, जिसकी वजह से वो बाद में 5 साल बाद PR लेने में उनको मदद मिलेगी और यहाँ के वो जो है वो रेजिडेंट हो जाएंगे, यहाँ के नेशनल हो जाएंगे। तो इसके अलावा आप देखें यहाँ पे जो डिग्रीज़ हैं उनका हमें पता चला कि कौन सी ऐसी ऐसी डिग्रीज़ हैं जिसमें हम लोग एडमिशन लें और एडमिशन लेने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस जो हैं वो वीज़ा मिलने के, यहाँ पे PRW में जाने की ज़रूरत ना पड़े, हमें डायरेक्टली हमें जॉब मिल जाए, स्पॉन्सर जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए, तो वो कौन सी डिग्रीज हैं ये हमें पता चला। उसके बाद अभी इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो रेट इंक्रीज हुए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के, पाकिस्तान में जो है वो वैसे ही ओवरऑल आपको पता है, या इंडिया में वो कन्वर्ट करें तो पैसे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बनते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी महंगाई हुई है यहाँ पे ऑब्वियसली जो कि हुई है, तो इन्होंने इनकी गवर्नमेंट ने जो बेसिक पे रेट था पर आवर के हिसाब से वो इंक्रीज़ करके वो बढ़ा दिया, 2-3 पाउंड जो है वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा कर दी, तो इससे नीचे जो है कोई भी मिनिमम वेज जो है वो नहीं दे सकता। तो ये भी एक फ़ायदा मिला लोगों को कि अब यहाँ पे जो भी आने वाला बंदा है 2023 के अंदर उसको जो है वो पे रेट ज़्यादा मिलेगा। पे रेट ज़्यादा मिलने की वजह से जो है वो अपनी कंट्री में जब वो पैसे भेजेगा तो उसको ज़्यादा वहाँ पे पैसे मिलेंगे। इसके अलावा देखो डिपेंडेंट जो है वो जब यहाँ पे डिपेंडेंट बंदा आता है किसी के साथ, उसको फुल टाइम काम करना अलाउ होता है, जब वो फुल टाइम काम करना अलाउ होता है तो वो उसको आसानी होती है यहाँ पे फीस निकालने में, यहाँ पे रहने में, अपने एक्सपेंस को मैनेज करने में। तो काफ़ी ज़्यादा जो अवेयरनेस जो है वो नॉलेज जो है वो हमें मिला, और कुछ लोग अभी भी हमें ये बातें करते हुए नज़र आते हैं कि यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप यहाँ पे ना आओ, बिल्कुल ये गलत बात है। अगर आप यहाँ पे फीस अफोर्ड कर सकते हो, और हाँ ऑब्वियसली जब हमारी कंट्रीज में महंगाई होगी, डॉलर का रेट जो है वो बढ़ जाएगा और रुपीज़ की जो है वो कीमत कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से यहाँ पर जब आपको आने में पैसे देने पड़ेंगे वो ज़्यादा, बैंक स्टेटमेंट आपकी ज़्यादा लगेगी, आपकी फ़ीस जो है वो आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाएंगे पाउंड तो वही है ना, फीस तो वही है, तो आप एक बार यहाँ पे आके मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, सैचुरेशन नो डाउट थोड़ी ज़्यादा होगी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप कहें कि यहाँ पे आप आके सेटल नहीं हो सकते। ज़रूर सेटल हो सकते हैं, आप ज़रूर आएँ, लेकिन ये है कि थोड़े एक्सपेंस ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप आएंगे तो सैलरी भी आपको उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। डिपेंडेंट को अगर साथ लेके आ सकते हैं तो वो ज़रूर लेके आए, अगर हो सके तो कोशिश करें कि नर्सिंग जो है मास्टर नर्सिंग में उसमें एडमिशन लें, इंटरनेशनल 2 साल का वो मास्टर है, उसके बाद आपको यहाँ पर जॉब जो है वो फ़ौरन से जो है वो स्पॉन्सर जॉब भी मिल सकती है,
उसका पे रेट भी बहुत बहुत अच्छा पे रेट है। तो इस तरह की जो डिग्रीज हैं उनमें आए कंपेयर, ना कि आप ऐसी किसी भी रैंडम डिग्री में आ जाएं जिसके बाद आपको करने के बाद कोई अच्छी जॉब ना मिले, स्पॉन्सर जॉब ना मिले, पैसे ना मिले। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें और इन वीडियोस को देखते रहें ताकि आपको मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गया वीडियो नहीं बनाए, तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा से वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दूसरी वीडियो के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।